बनारस इस वक्त धुएं की चादर में लिपटा है। विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक है, जिसके कारण वातावरण प्रभावित हुआ है। धरती से 3 किलोमीटर ऊपर पछुआ तो नीचे उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। स्मॉग के कारण पीएम 10 की मात्रा 387 और पीएम 2.5 की मात्रा 325 तक पहुंचने के कारण सांस और फेफड़े के रोगियों की परेशानी बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिकों ने इसके 3 दिनों तक रहने की आशंका जताई है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा जो है जब ज्यादा बढ़ेगी वायुमंडल में नीचे, तो फेफड़ा, श्वास, गला, इन सबों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो होगा, और सफोकेशन महसूस होगा, आपको घुटन तो महसूस होगा ही। स्मॉग के चलते ह्यूमिडिटी काफी बढ़ी है, इसके साइड इफेक्ट से आंखों में जलन और घुटन की शिकायतें हैं। स्मॉग से बचने के लिए लोग मास्क का सहारा ले रहे हैं। ये स्मोक और ये जितना भी पॉल्यूशन है, इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है हमारे यूथ को भी, ओल्डेस्ट को भी हो रहा है एज वेल एज। बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, खांसी वगैरह, कोल्ड हो रहे हैं बहुत ज्यादा इस वक्त धूल से, और डस्ट बहुत हो रहे हैं इस टाइम। ऑब्वियसली बात तो काफी सफोकेशन हो रहा है और लोगों को काफी गले से परसे रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है और इनहेल करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। हम लोगों ने फिर से दोबारा इन विभागों को जो है चिट्ठी जारी की है कि अपनी तरफ से व्यवस्था करें। माननीय एनजीटी ने एक आदेश पारित किया है, हालांकि वो एनजीटी के लिए था लेकिन वो एनसीआर के लिए था, लेकिन हम लोगों ने प्रिकॉशनरी तौर पे अपने डिस्ट्रिक्ट्स को भी के अफसरों के लिए आगाह किया है और उनको भिजवा दिया है। फिलहाल 1-2 दिनों तक बनारस के लोगों को स्मॉग से राहत नहीं मिलने वाली, ऐसे में बचाव के लिए मास्क जरूर पहने। नीरज जायसवाल, APN, वाराणसी।